नारी का श्रद्धेय स्वरूप। संसार में जितने भी प्रतिभाशाली लोकसेवी संत और महापुरुष हुए हैं, उनके निर्माण में उनकी माताओं का ही मुख्य योगदान रहा है। इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करते हैं कि बच्चे माता पिता के प्रतिकृति होते हैं। माता पिता के व्यक्तित्व की छाप बच्चों पर अनिवार्य रूप से पड़ती है। उसमें भी माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव तो और भी अधिक पड़ता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद से किशोर होने, थोड़ा समझदार होने तक माँ के सानिध्य में ही रहता है। एकदम शिशु अवस्था में तो उसका पूरा समय माँ के संरक्षण, सानिध्य, सामिप्य में ही बीतता है। मनःशास्त्रियों के अनुसार उसी आयु में बच्चे के व्यक्तित्व की आधार भूमि निर्मित होती है। इसलिए विकसित, सुयोग्य और संस्कारवान व्यक्तित्व के निर्माण में सुयोग्य और सक्षम माता ही समर्थ है। यदि माता स्त्रियां शिक्षा, संस्कार, योग्यता और गुणों की दृष्टि से अविकसित, अक्षम रहें, तो सुयोग्य नागरिकों के निर्माण की आशा किस आधार पर की जा सकती है? समाज में सुयोग्य नागरिकों की बहुलता रहे, इसके लिए नारी का विकसित होना आवश्यक है। किंतु इन दिनों दुर्भाग्य से नारी की स्थिति बहुत ही हेय और गिरी हुई है। समाज में सुयोग्य व्यक्तित्वों की संख्या बढ़े और समाज ऊंचा उठे, इसके लिए आवश्यक है कि नारी की स्थिति में सुधार लाया जाए। स्थिति को बदलने और नारी को उन्नत, विकसित बनाने के लिए जन जागरण का कार्य प्रथम आवश्यक है। यह कार्य जिन कारणों से अधर में ही लटका रह जाता है, उनमें से एक प्रधान कारण लोगों की ये मान्यताएं भी हैं कि नारी की प्रगतिशीलता धर्मशास्त्रों के अनुकूल है भी या नहीं। न जाने प्रगतिशीलता के साथ आए उत्तरदायित्वों को नारी संभाल भी पाएगी या नहीं। वास्तव में यह दोनों ही प्रश्न हमारे अज्ञान और विवेक के कारण खड़े होते हैं। यदि हम अपने गौरवमय इतिहास को देखें तो हमारी यह दोनों शंकाएं बिल्कुल निर्मूल और निरर्थक सिद्ध होंगी। रामराज्य आदर्श सामाजिक व्यवस्था के रूप में हमेशा से स्वीकार किया जाता रहा है। मात्र उसी के घटनाक्रमों पर ध्यान देने से यह बोध होता है कि नारी हर क्षेत्र में तथा हर स्तर पर पुरुष की तरह सक्रिय और सफल रही है। मजे की बात यह है कि धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति ही नर नारी के बीच अधिक भेद मानने का आग्रह करते हैं, जबकि उस स्तर पर सारे सांसारिक भेद भी समाप्त हो जाते हैं। सारा विश्व ईश्वर का ही रूप है और उसने अपने आप को नर और नारी दोनों ही रूपों में समान रूप से व्यक्त किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस प्रारंभ करते हुए भगवान के विराट रूप इस विश्व की वंदना करते हुए लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इस विश्व को भगवान के रूप में नमस्कार करते हुए उन्होंने केवल राम को ही संबोधन नहीं किया, सीता को भी किया, बल्कि सीता को श्री राम से पहले संबोधित किया। इससे स्पष्ट है कि भगवान पुरुष और नारी दोनों ही रूप में इस विश्व में संव्याप्त है। यदि प्रधानता दी जाए तो नारी रूप ही दिए जाने योग्य है। वास्तव में दोनों का भेद हमारी बुद्धि की कल्पना मात्र है। वास्तव में सीता एवं राम, प्रकृति और पुरुष में कोई भेद नहीं है। वह तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही तथ्य को दो प्रकार से प्रकाश मिलाना भर है। इस भाव को तुलसीदास जी ने एक दोहे में बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। गिरा अरथ जल बिची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बदऊं सीता राम पद, जिन नहीं परम प्रिय खिन्न। जो वाणी तथा उसके अर्थ तथा जल एवं लहर की तरह कहने भर के लिए अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री राम सीता जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के पुरुष रूप और नारी रूप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहां वाणी है वहां अर्थ होगा ही, जहां पानी है वहां लहरें होंगी ही।
उन दोनों के कार्य और महत्ता में अंतर नहीं किया जा सकता। परंतु इन दोनों उक्तियों पर ध्यान देने से यह तथ्य सामने आता है कि पहली बार पद का आरंभ सीय से किया गया तथा दूसरी बार गिरा से, दोनों ही स्त्रीवाचक शब्द हैं। यह प्रयोग स्पष्ट रूप से मातृशक्ति को प्रधानता देने के लिए किया गया है। वस्तुतः मातृशक्ति की अपनी ऐसी विशेषता है भी जो अन्यत्र मिलती ही नहीं। वंदना प्रसंग में श्री जानकी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने मातृशक्ति की उस विशेषता को उभारा है। लिखा है, ताके जुगपद कमल मनावाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावाऊं। मैं उन श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मानता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। निर्मल बुद्धि की कामना तुलसीदास जी और किसी पात्र से नहीं कर सके, क्योंकि वह केवल मातृशक्ति से ही मिल सकती हैं। दार्शनिक पक्ष से देखा जाए तो भी सद्बुद्धि की प्राप्ति गायत्री महाशक्ति से ही होने का तथ्य सामने आता है। गायत्री भी मात्र रूप है, उसे किसी भी नाम से माना और पुकारा जा सकता है, इससे अंतर कुछ भी नहीं पड़ता। व्यवहारिक दृष्टि से भी बच्चों को प्यार करने, मिठाई देने, खिलौने देने में तो सभी लोग रस लेते हैं, किंतु यदि बच्चा किसी भी प्रकार गंदा हो जाए तो उसे स्वच्छ बनाने के लिए माँ को ही पुकारा जाता है। निर्मलता प्रदान करना मातृशक्ति की अनुपम विशेषता है। फिर बुद्धि की निर्मलता तो वह विभूति है जिसके सहारे संसार की हर उपलब्धि पाई जा सकती है। इसी प्रकार जब उसे मात्र रूप में व्यक्त किया जाता है तो भी किसी नारीवाचक नाम रूप के सहारे उसे समझा जा सकता है। वह आदि शक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप बना लेती है। नारद जी पार्वती जी के संबंध में यही भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। वे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला के लिए शरीर धारण करती हैं। ईश्वर के पुरुष रूप के साथ जो विशेषण जुड़े रहते हैं वे सब नारी रूप के साथ भी जोड़े गए हैं। सृजन, पालक, संहारक वह तीनों ही रूप में हैं। यदि प्रभु निज इच्छा निर्मित तनु है तो मां भी निज इच्छा लीला वपुधारिणी है। वह महाचेतना जब दोनों रूपों में समान सामर्थ्य युक्त है तो फिर नर नारी में अंतर किस आधार पर रह जाता है? यह नारी के मातृशक्ति के अलौकिक रूप की बात हुई, लौकिक रूप में भी अद्वितीय है। लोग अपने पुरुषार्थ से, अपने गुणों से बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, उन्हें अनुकूल बना लेते हैं, किंतु नारी तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को भी शिशु बनाकर गोद में खेलने के लिए विवश कर देती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगतियस कौसल्या के गोद। जो व्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। पुरुष अपनी शक्ति से किसी बड़े व्यक्ति को मजबूर करके ऊपर से झुका भी ले तो भी वह अंदर से विद्रोही बना रहता है, किंतु यह नारी की भाव शक्ति ही है जो सकल ब्रह्मांड नायक को भी हर संभव वश में कर लेती है। सामान्य रूप से लोग भावुकता के क्षणों में अपना बौद्धिक संतुलन खो देते हैं। जो उसे बनाए रखता है उसे बुद्धि विवेक की दृष्टि से महान माना जाता है। इस कसौटी पर तो नारी खरी उतरती है। भगवान के अवतरण की इच्छा से मनु एवं शतरूपा तप करते हैं। भगवान उनके तप से प्रभावित होकर प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। मनु उस समय भावना में बह जाते हैं, प्रभु को अपने पुत्र रूप में आने को कहते हैं, किंतु शतरूपा यानी अपनी इच्छा पीछे करके प्रभु की इच्छा को ही प्रधानता देती है। वे कहती हैं कि आप हमारा हित अधिक समझ सकते हैं, जो विभूतियां आप अपने प्रिय भक्तों को देना उचित समझते हैं वही हमें दें। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति
वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। मनु और शत्रुपा दोनों का प्रेम भगवान के प्रति समान था, उन्होंने तब भी समान किया था। फिर मनु अपनी सुखानुभूति को प्रधानता दे बैठे और शत्रुपा ने अपनी इच्छा प्रभु के निर्णय से मिला दी। यह कैसे संभव हो सका? इसका कारण है नारी की सहज पवित्रता और समर्पण बुद्धि। इन विशेषताओं के कारण तात्विक दृष्टि से नारी ईश्वर के अधिक निकट रहती है, उसे अधिक स्पष्टता से अनुभव कर पाती है, इसलिए उनके अधिक अनुकूल रह पाती है। किसी विषय की जानकारी होना तथा उस संबंध में अनुभूति होना, दोनों में बहुत अंतर है। भगवान सर्वव्यापी है, यह जानकारी सभी को होती है, किंतु उसके विश्वव्यापी विराट रूप की अनुभूति बिरलों को ही हो पाती है। नारी में यह क्षमता पुरुष की अपेक्षा अधिक है। जब भगवान राम बालक के रूप में अवतरित हो गए, तब पिता दशरथ नहीं कौशल्या ही उनका विराट रूप देखने में सफल हो सकी। प्रभु ने उन्हें ही वह दिव्य दर्शन दिए। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। नारी की इस क्षमता के समर्थन में रामायण का एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है। रावण अपने अहंकारवश श्री राम को साधारण मनुष्य मानकर तकरार बढ़ाता चला जाता है। रावण अद्वितीय विद्वान था, किंतु अभिमानग्रस्त अंतःकरण के कारण सूक्ष्म दृष्टि का उसमें अभाव था। परंतु मंदोदरी वह दृष्टि रखती है, तथ्य को देखती है तथा रावण को समझाते हुए उससे अपनी अनुभूति पर विश्वास करने का आग्रह करती है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे विचारों पर विश्वास कीजिए कि ये रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप है, या सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में अनेक लोकों की कल्पना करते हैं। इस आग्रह के साथ मंदोदरी ने ईश्वर के विराट रूप का जो वर्णन किया है, उसे देखकर लगता है कि उसे पुरुष सूक्त में वर्णित भगवान के स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति थी। भगवान के दार्शनिक स्वरूप का इतना अच्छा वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। दुख और उत्तेजना के क्षणों में भी विवेक का संतुलन बनाए रखना असामान्य आंतरिक क्षमता का प्रमाण माना जाता है। नारी उस पक्ष से भी कमजोर नहीं है। धनुष यज्ञ के प्रसंग में जब यह लगा कि कोई भी वीर सीता के विवाह की शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है, तो राजा जनक जैसे ज्ञानी भी उत्तेजित हो उठे। जब श्री राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए, तो उन्हें बच्चा कहकर उनके प्रयास को अनुचित कहा जाने लगा। किंतु उस बाल वेश के पीछे झलकती तेजस्विता देखने वाली नारी उस समय बोल उठती है, बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनीय नारानी। एक चतुर सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। उस सखी ने कुंभ भज ऋषि द्वारा समुद्र सुखा डालने, सूर्य द्वारा अंधकार निवारण, छोटे से मंत्र की अद्भुत शक्ति, अंकुश द्वारा मस्त हाथी को वश में कर लेने जैसे उदाहरण देकर श्री राम द्वारा धनुष के तोड़े जाने की संभावना प्रकट की, जो सत्य प्रमाणित हुई। नारी की आंतरिक भावनात्मक तथा व्यावहारिक क्षमताओं को भुलाकर उसे विवेकहीन पिछड़ी हुई बुद्धि वाली कोरी भावुक मानना बड़ी भारी भूल है। नारी में आज जो बौद्धिक पिछड़ापन तथा अनुत्साह दिखाई देता है, वह स्वाभाविक नहीं है। वह तो लंबे समय तक बंधन में रहने, निष्क्रिय पड़े रहने की प्रतिक्रिया ही है। अच्छी से अच्छी धातु का औजार भी उपेक्षित पड़ा रहने पर खराब हो जाता है। शरीर का कोई भी अंग लंबे समय तक बांध कर छोड़ दिया जाए, तो वह खुलने पर भी काम करने में असमर्थ लगेगा। नारी की वर्तमान निष्क्रियता भी यही है। स्वभावतः तो हर क्षेत्र में वह अनोखे कमाल दिखाती रहती है। रामायण में ज्ञान और विवेक की तरह भक्ति और तप के संबंध में भी नारी के अपने ही कीर्तिमान है। शबरी महिला थी, वह भी भीलों जैसी अविकसित जाति की, उस पर भी परिवार से परित्यक्ता एकाकी जीवन बिताने वाली, किंतु उसने साधना के जिस स्तर को पाया,
उसकी समानता अन्यत्र मिलना कठिन है। स्वयं भगवान उसके यहां गए और उसकी महानता स्वीकार की। श्री राम सीता की खोज में थे, कंवज राक्षस से उनकी मुठभेड़ हो गई। वह शापग्रस्त देवता था, भगवान राम के हाथों मरकर अपने मूल स्वरूप को पा गया। तब उसने सीता की खोज के लिए श्री राम को शबरी की सहायता लेने का परामर्श दिया। शबरी का परिचय देते हुए कहता है, सचास्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणीम श्रमणीम धर्म निपुणाम अभिगच्छति राघव। अर्थात, हे राघव, आप शबरी के पास जाइए, वह धर्म का आचरण करने वाली सन्यासिनी धर्म की मर्मज्ञ है, वह आपको इस विषय में बतलाएगी। शबरी के लिए श्रमणी, धर्मचारिणी और धर्म निपुणा जैसे श्रेष्ठ विशेषण लगाने के बाद भी ऋषि वाल्मीकि को कमी लगी। अस्तु, भगवान राम की दृष्टि में उसे आगे और बढ़ाया। लिखा है, रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता शंस सबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। जब रामचंद्र जी ने शबरी से यह प्रश्न किए, तब सिद्ध पुरुषों को मान्य वह वृद्धा तपस्विनी श्री राम से कहने लगी। वह स्वयं सिद्ध थी और अन्य सिद्धों से उसे मान्यता प्राप्त थी। स्पष्ट है कि उस समय का समाज नारी को धर्माचरण में अनाधिकारी नहीं मानता था। शबरी जैसी नारी के सिद्धों के मार्ग पर असाधारण ऊंचाई तक बढ़ने की क्षमता के बारे में कोई शंका नहीं की जा सकती। यही तथ्य तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी प्रकट होता है। भगवान श्री राम उससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अभिमान से कोसों दूर रहने वाली उस साधिका को शायद स्वयं भी अपनी उपलब्धियों का पता नहीं था। राम ने उसे भक्ति के 9 अंग बतलाए तथा स्वीकार किया कि उसमें भक्ति के सभी लक्षण हैं। वे कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, सामान्य भक्ति भी मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। भक्ति साधना में नारी की प्रामाणिकता का इससे अच्छा और क्या प्रमाण चाहिए। शबरी की सिद्धि का प्रमाण भी इसी प्रसंग में मिलता है। उसे भविष्य के चरण जैसे पहले से ज्ञात है। वह कहती है, पंपा सरही जाहु रघुराई तहां होई ही सुग्रीव मिताई। बिना किसी झिझक संकोच के वह उन्हें पंपा सरोवर जाने को कहती है। सुग्रीव से श्री राम की मित्रता तथा उस माध्यम से सीता की खोज होने की जानकारी उसे पहले से थी। स्पष्ट है कि वह भक्त थी, तपस्विनी थी और सिद्धा थी। तपस्या की चर्चा उठते ही दिमाग में तुरंत भागीरथ का नाम आ जाता है। वे अपने तप बल से गंगा को लेकर आए थे, किंतु उसी स्तर की तपस्विनी महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया भी है। यह कम लोगों को ही ज्ञात होगा। महर्षि अत्रि ने चित्रकूट क्षेत्र के विकास के लिए वहां रहने का निश्चय किया, किंतु वहां पानी का अभाव था। अनुसुईया ने उन्हें इस अभाव को दूर करके उस पुण्य कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अपने तप बल से उन्होंने मंदाकिनी को उस क्षेत्र में प्रवाहित कर दिया। मंदाकिनी को भी गंगा की एक धारा माना गया है। श्री राम को वनवास के समय चित्रकूट पर निवास करने का निर्देश देते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने यह प्रकट किया है। उन्हीं के शब्द हैं, नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। वह पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी तपोबल से लाई थी। यह प्रशंसा नारी की तप शक्ति का बड़ा प्रेरक प्रमाण है, किंतु मानस में तो नारी को तपस्या क्षेत्र में अद्वितीय कहा गया है। इस प्रसंग में तो भागीरथ जी अनुसुईया जी के समकक्ष मिल भी जाते हैं, परंतु पार्वती का तप देखकर स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, अस तप काहू न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया।
तपस्या का क्षेत्र कठिन समझा जाता है, कठोर कार्य पुरुषों के उपयुक्त समझे जाते हैं, किंतु यहां नारी उस क्षेत्र में भी अनुपम सिद्ध हो रही हैं। देवी पार्वती ही नहीं, सामान्य महिलाएं भी श्रेष्ठतम तपस्वियों में रही हैं। सीता खोज के प्रसंग में स्वयं प्रभा नामक अद्भुत शक्ति संपन्न तपस्विनी का विवरण मिलता है। जब वानर वीर सीता का कोई सूत्र न मिलने से हताश होने लगे, तब प्यास से व्याकुल हो गए, तब वे कंदरा में गए। वहां उन्हें एक सुंदर आश्रम में तपस्विनी के दर्शन हुए। दीख जाई उपबन भर सर, बिगसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहा, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। यह तपस्या की साक्षात मूर्ति ही स्वयं प्रभा थी। उसने वानर वीरों को भोजन विश्राम की सुविधा देकर उनकी थकान दूर की और आश्वासन देकर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्हें रास्ता बताते हुए कहा, मूदहु नयन बिबर तजि जाहु, पहहु सीतहि जनि पछताहु। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता को पाओगे, पछताओगे नहीं, निराश मत हो। उस तपस्विनी ने वानरों को अपने तपोबल से ही समुद्र के किनारे पहुंचा दिया, जहां संपाति द्वारा उन्हें सीता का पता मिला। इस प्रकार सीता की खोज में वानर वीरों का मार्गदर्शन यह तपोबल संपन्न नारी ही कर सकती है। यहां परंपरावादी यह तर्क उठा सकते हैं कि एकाध कोई महिला उस स्थान तक पहुंच गई, इसका अर्थ यह नहीं होता कि सभी में ऐसी क्षमता होती है। यह भी अपनी मान्यता न बदलने वाला कुतर्क ही है। मान लीजिए कोई भारतीय कुश्ती में विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करता है, अपना रिकॉर्ड कायम करता है। अब यह कहा जाए कि यह तो एक भारतीय ने रिकॉर्ड तोड़ लिया, वैसे भारत में कोई कुश्ती लड़ता ही नहीं है और न वहां के लोग इस योग्य है कि उन्हें कुश्ती लड़ने दिया जाए, तो लोग हंसेंगे। किंतु नारी के संबंध में इतने स्पष्ट प्रमाण मिलने पर भी ऐसे ही बेकार के तर्कों के आधार पर उसे इस क्षेत्र के अयोग्य ठहराया जाता है। सज्जनता का तकाजा है कि इस भूल को स्वीकार किया जाए, कम से कम नारी को प्रतिबंधित तो नहीं रखा जाए। वैसे उसकी तेजस्विता की परंपरा इतनी स्पष्ट है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उससे इनकार नहीं कर सकता। वरदान आशीर्वाद बहुतों को दिए होंगे, किंतु मातृ स्वरूपा शक्ति की वरदान क्षमता भी अद्भुत है। हनुमान पर प्रसन्न होकर सीता जी अशोक वाटिका में उन्हें आशीर्वाद देती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। पुत्र तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। रामायण में वरदान आशीर्वाद बहुत दिए गए हैं, किंतु सभी जगह आग्रह पर पूछ पूछ कर एकाध गुण दिया जाता है। यह मातृशक्ति ही है कि बुढ़ापा रहित अमरता के साथ सारे गुणों का भंडार भी एक साथ बिना मांगे ही दे देती हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह चाहे जिसे चाहे जो वरदान दे देती है। सीता जी ने पहले हनुमान जी की परीक्षा ले ली थी, जब उनमें सुपात्रता देखकर उन्हें संतोष हो गया तभी उन्होंने वरदान दिया था। सीता ने उनसे अनेक बार प्रश्न किए और हनुमान के उत्तर उन्हें संतोषप्रद लगे। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी। हनुमान की भक्ति प्रताप तेज और बल से ओतप्रोत वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी में प्रतिभा योग्यता और शक्ति के साथ भक्ति अर्थात आदर्श के प्रति समर्पण की भावना देखकर ही उन्हें सीता जी ने सुपात्र माना। सतपात्र को तो बिना मांगे ही दिया जाना उचित है। नारी की इस क्षमता और गौरव गरिमा के अनेकानेक प्रमाण राम कथा में मिलते हैं। यदि वस्तु स्थिति को देखा और समझा न जाए तथा अपनी गलत सलत मान्यताओं से ही चिपके रहा जाए तो स्थिति दिनों दिन और बिगड़ती ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि अपनी गलत मान्यताओं से ही चिपके रहने में हम अपनी शान समझते हैं तब तो ईश्वर ही मालिक है।
फिर तो नारी को घरेलू खिलौना, पालतू पशु अथवा वासना पूर्ति की मशीन से कुछ भी अधिक मानने के लिए, उसे विकसित बनाकर उसका अधिक लाभदायक उपयोग करने के लिए हम कभी तैयार नहीं होंगे। भले ही समय की मांग और न्याय के पक्ष के विपरीत जाने के कारण हम अपना सर्वनाश ही क्यों ना कर बैठे। यह हट धर्मी न नर के लिए लाभदायक होगी और न नारी के लिए। किंतु यदि हम समझना चाहें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि नारी किसी महत्वपूर्ण स्थल पर दायित्व संभालने में सक्षम है। रामचरितमानस में तो हर टेढ़े प्रसंग पर नारी को ही नियुक्त किया जाता है। एक प्रसंग है जब सुग्रीव बलि की मृत्यु के बाद राजा बन गए तथा राज्य सुखों में श्री राम का कार्य भूल गए। तब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर किष्किंधा पहुंचे। उन्हें क्रोधित देखकर सब लोग कांप उठे। तब सुग्रीव कहते हैं, सुनु हनुमंत संग लय तारा, करी बिनती समझाऊ कुमारा। हे हनुमान, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। तारा को यूं ही नहीं भेज दिया गया। वह बड़ी विदुषी और व्यवहार कुशल थी। उसने अपने स्नेह और चतुराई से लक्ष्मण जी को पानी पानी कर दिया। वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। उसने लक्ष्मण को बड़ी कुशलता से समझाया कि सुग्रीव तुम्हारे बड़े भाई के मित्र के नाते तुम्हारे आदरणीय है, उनके प्रति अभद्र व्यवहार शोभा नहीं देता और भाभी के अनुरूप सहज स्नेह प्रकट करके अंदर ले जाकर बिठाला और कहा कि कोई भूल हुई हो तो हम शांति से उसका सुधार कर लेंगे, आप उत्तेजना छोड़ दें। इस प्रकार तारा ने सारे नगर को भय मुक्त कर दिया। एक और विषम परिस्थिति देखिए। महावीर हनुमान जी सीता की खबर लेने अकेले ही लंका के लिए चल पड़े। देवताओं में खलबली मच गई। जिस रावण के डर से लोकपालों का खाना पीना हराम हो रहा है, उसके दुर्ग में अकेले हनुमान का क्या हाल होगा। सोचा कि इतना बड़ा खतरा उठाने के योग्य है या नहीं, इस बात की परीक्षा कर ली जाए, तभी उन्हें लंका में प्रवेश करने दिया जाए। इस कठिन परीक्षा और अति महत्वपूर्ण निर्णय का भार सौंपा गया किसी पुरुष को नहीं, एक नारी को, सुरसा को। उन्होंने हनुमान की बड़ी उपयुक्त परीक्षा ली। तब उसने अपना रहस्य खोलते हुए कहा, मोहि सुरहन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमू तोर में पावा। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद भांप लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। यही नहीं, उसने विश्वास पूर्वक यह घोषणा भी कर दी कि तुम अकेले ही लंका में जाकर राम कार्य करने में सफल हो जाओगे। अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति पर इतने विश्वास पूर्वक घोषणा वही कर सकता है जो अपने विषय का माहिर हो। सुरसा का आत्मविश्वास गलत नहीं निकला। हनुमान जी उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण ही होते चले गए। इस प्रसंग में हनुमान जी जितने प्रामाणिक सिद्ध होते हैं, सुरसा भी उससे कम नहीं, अधिक ही प्रामाणिक सिद्ध होती है। नारी की प्रामाणिकता का एक और बड़ा मजेदार और प्रेरक प्रमाण रामायण में है। देवताओं के लिए भी अजेय राक्षस राज रावण ने अपने दुर्गम किले के एकमात्र दरवाजे पर किसी पुरुष की अपेक्षा एक नारी को नियुक्त कर रखा था। हनुमान लंका में प्रवेश पाने के लिए मच्छर के समान छोटा शरीर बनाकर घुसते हैं, किंतु उसकी निगाह से बच नहीं पाते। नाम लंकनी एक निसिचरी, सोह कह चलेसी मोहि निंदरी। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चले जा रहा है। श्री राम की शक्ति से विभूषित हनुमान जी से लंका के सारे राक्षस मिलकर भी पार न पा सके। अकेली लंकनी बेचारी उन्हें कैसे रोक पाती। किंतु रावण ने जिस विश्वास से उसे यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया था, उसमें वह पूरी तरह खरी उतरती है। शौर्य के क्षेत्र में भी नारी के अपने कीर्तिमान हैं। सक्षम रानियां अपने पतियों के साथ युद्ध में भी जाती थीं। महाभारत काल में सुभद्रा की गणना महारथियों में थी। द्रौपदी भी उसी स्तर की नारी थी। कृष्णार्जुन युद्ध में अर्जुन की सारथी वही बनी थी। कैकेयी द्वारा दशरथ की प्राण रक्षा का प्रसंग सर्वविदित है। दशरथ जी से वर मांगने के लिए कैकेयी को प्रोत्साहित करते हुए
मंथरा उसके जीवन की घटना याद दिलाती है। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान्नष्ट चेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया। हे देवी, देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे पति शस्त्रों से घायल हो गए थे तब अपने पौरुष से तुमने उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार के उदाहरणों से यह बात साफ हो जाती है कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार नारी के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक नहीं है और वह सौंपे गए बड़े से बड़े कर्तव्य पालन में पूरी तरह सक्षम है। पुरुष तो बहकर अपनी क्षमताओं का गलत उपयोग कर बैठता है तथा समाज का अहित हो जाता है, किंतु भाव संपन्न नारी तो स्वभावतः स्वार्थ से दूर परमार्थ में सहज रुचि रखती है। रामायण की कथा भी नारी की इसी भावना के माध्यम से प्रवाहित हुई है। राम कथा के आदि वक्ता शिवजी कहे जाते हैं। उन्होंने कथा पार्वती के आग्रह पर कही थी। पार्वती जी ने कथा कहने का आग्रह लोकहित के उद्देश्य से किया था। भारद्वाज को कथा की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कथा जो सकल लोकहितकारी सोई पूछन चह सैल कुमारी। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। नारी में लोकहित की भावना पुरुष की अपेक्षा अधिक ही होती है। उनके प्रयास इसी दिशा में विशेष होते हैं। वन प्रसंग में ऋषि पत्नी अनुसुईया सीता जी को उपदेश देती हैं। इसके बाद वे अपने कथन का उद्देश्य बतलाती हुई कहती हैं, सुनु सीता तव नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करहीं तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो तुम्हारे माध्यम से मैंने संसार के हित के लिए कही है। संसार के कल्याण के लिए कही गई कथा में से भी हम यदि अकल्याणकारी स्तर निकालने का प्रयास करें तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। शास्त्रों और रामायण जैसे ग्रंथों का हवाला देकर नारी को हीन सिद्ध करना, उसे प्रतिबंधित करना अपने साथ और अपनी संस्कृति के साथ स्पष्ट अन्याय है। प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट है कि रामायण में नारी के चरम उत्कर्ष के प्रमाण सभी जगह मिलते हैं। यह होना स्वाभाविक ही है क्योंकि संत तुलसीदास ने उसमें नारी पात्र सीता को भगवान राम से भी अधिक महत्व दिया है। वंदना प्रसंग में ही उन्होंने मानस की उपमा एक पुण्य सरोवर से दी है। उसी आधार पर रामचरितमानस की विशेषताओं का रोचक वर्णन किया है। सरोवर की सबसे महत्वपूर्ण संपदा है उसका जल। संत तुलसीदास ने इस मानस सरोवर का जल किसे माना? राम सिय जस सलिल सुधासम। भगवान राम और देवी सीता का यश इस सरोवर का जल है। यहां राम और सीता का महत्व समान है, पर शायद लेखक को उसमें संतोष नहीं हुआ, इसलिए आगे चलकर उन्होंने इस जल गुण का उल्लेख करते हुए घोषणा की, सती सिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों का जो वर्णन है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। इतना सब सुनकर समझकर भी यदि हम नारी की महत्ता न समझें, उसके उत्कर्ष की आवश्यकता और औचित्य को न माने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कौशल्या, सीता, मंदोदरी, स्वयं प्रभा, शबरी, अनुसुईया जैसी देवियों के उज्ज्वल चरित्रों को सुनकर हमारे मन में उत्साह जाग सकता है। महिलाएं स्वयं वैसा बनने और पुरुष अपनी बहन, बेटी, पुत्री, पत्नी एवं माता को उस स्तर पर देखने के लिए लालायित हो उठें, यह स्वाभाविक ही है। किंतु इस प्रकार मन ललचाना भर काफी नहीं है, विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। इन देवियों ने यह स्तर और समाज ने उनका लाभ यूं ही नहीं पा लिया था। उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर, सहयोग और प्रोत्साहन न दिया जाता या वे स्वयं मुर्दा दिल बनकर बैठी रहती तो कुछ भी होना संभव नहीं था। कामनाएं ऊंची ऊंची करने भर से क्या होने वाला है।
जब तक महिलाएं अपने विकास के लिए स्वयं दृढ़ संकल्प नहीं होती, उसके लिए कष्ट उठाकर भी प्रयत्न पुरुषार्थ करने का साहस पैदा नहीं कर लेती, तब तक पुरुष वर्ग उन्हें घर से बाहर निकलने देने में अपनी तौहीन समझता है। शिक्षित और स्वावलंबी बनाने में धर्म का उल्लंघन होता दिखता है, तब तक ये कल्पनाएं बेकार साबित होंगी। समझदारी और विवेकशीलता का तकाजा है कि स्थिति को समझा जाए और जो हानिकारक है उसे सुधारने, उस स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाए। यदि यह नहीं किया जाए तो समाज और राष्ट्र पतन के गर्त में किस स्थिति में जा गिरेंगे, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि नारी को यदि विकास और उन्नति के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं, उसे आगे बढ़ाने में कोई रुकावट न डाली जाए और वर्तमान अवरोधों को हटाया मिटाया जाए, तो समाज आज भी उन्नत स्थिति में पहुंच सकता है और राष्ट्र का भाल गौरवोन्नत हो सकता है। हम अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।